सीधी विधानसभा 77 से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में कल नामांकन आपने दाखिल किया है, के सिंह भंवर साहब से, जो पूर्व में 2 बार विधायक रह चुके हैं और एक बार फिर चुनाव मैदान में उतरे हैं, क्या उनकी आगामी रणनीति है चुनाव को लेकर? रणनीति की बात है, मैं कोई रणनीति बना के नहीं चलता, मैं सिर्फ लोगों से मिलता हूँ और उनसे बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ, उनकी समस्याओं को सुनता हूँ और मैं इतना ही आश्वासन देता हूँ कि जो काम नहीं हो पाया है पिछले 10 साल से 15 साल से, वो काम करने की मैं काम कराने के लिए उनसे कहता हूँ कि ये काम होंगे। और ये ऐसे काम है जो कि बहुत ही मूलभूत वाले काम है, पानी है, बिजली है, स्वास्थ्य है, एजुकेशन है, तो ये ऐसे काम है कि जो अभी पिछले 70 साल के आज़ादी के बाद तक हो जाने चाहिए। आवश्यकता जो जनता महसूस करती है, किसकी कमी है? शिक्षा का स्तर नीचे है या चिकित्सा के क्षेत्र में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जो अस्पताल होने चाहिए वो नहीं है सीधी विधानसभा क्षेत्र में या जिला मुख्यालय में, किसमें काम करने की ज़रूरत है? करें इसलिए कि पानी ऐसी चीज़ है कि पानी अगर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, आपका जीवन नहीं चल सकता। खाना फिर भी हम लोग बाग ढूंढ लेते हैं, लेकिन पानी की व्यवस्था ऐसी चरमराई हुई है, खासकर जो नया सीधी का क्षेत्र है, जो गोपद बनास से कट कर है, जो पुराना सीधी विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ मैंने देखा है जैसे सारो जैसा गांव है, बड़ा गांव है, 5 किलोमीटर में फैला हुआ गांव है। और जब मैं हरिजन बस्ती में गया था वहाँ, तो उन्होंने बताया कि सिर्फ एक ही हैंडपम्प है हमारे इस पूरे बस्ती में और वो भी बिगड़ा हुआ है। और मैंने सिर्फ सारो नहीं और बहुत से ऐसे गांव मैंने देखे जहाँ पे पानी की बहुत बड़ी समस्या है, तो पानी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उसके अलावा स्वास्थ्य, आप जानते हैं कि सीधी के अस्पताल का क्या हाल है, इसी तरह जो ब्लॉक के अस्पताल हैं, सिमरिया का है और जगह है, बहुत ही दयनीय स्थिति है अस्पताल की। बिजली का बिल जो आ रहे हैं, जो गलत बिलिंग हो रही है, लोगों को जेल जाना पड़ा है बिजली को लेकर, तो ये भी व्यवस्था सुधारने की आवश्यकता है। तो ये सब, ये तो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, उसके अलावा तो ज़मीन का है और भी बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये 3 ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि जीवन को हरदम टच करते हैं। समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है, परंपरागत वोट बैंक, जिस तरह से कांग्रेस और भाजपा का है, उस तरह से सपा का यहाँ पे नहीं। ऐसी स्थिति में, विपरीत परिस्थितियों में कैसे अपने पाले में लाएंगे? जब मैं 2003 में समाजवादी से लड़ा था, तो उस टाइम तो कहीं भी कोई नाम नहीं था समाजवादी का, खासकर सीधी जिला में। उस टाइम समाजवादी के टिकट से मैं 29,000 कुछ वोटों से जीता था, तो वो भी हमारे लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं उन्होंने मुझे पूरा समर्थन दिया था। इस बार भी समाजवादी का भी यहाँ पे बोलबाला है, ऐसी बात नहीं है कि समाजवादी का वोट नहीं है, और उसमें मेरे वोट भी जुड़ रहे हैं। तो इस बार मैं यही कह रहा हूँ कि मुझे जो गोपद बनास के 2003 का रिजल्ट था, उससे कहीं अच्छा रिजल्ट आने के लिए। भाजपा घोषित कर दिए हैं और दोनों ने ही ब्राह्मण कैंडिडेट को अपना प्रत्याशी बनाया है या ब्राह्मण को टिकट दिया है। ऐसी स्थिति में जो चौहान वर्ग है, जो बहुतायत संख्या में है, और वो किस तरफ जाएगा, क्योंकि वो दोनों पार्टियों से असंतुष्ट है, ये कहते हैं कि दोनों पार्टियों ने उनकी उपेक्षा की, क्या लगता है उनको आप अपने पाले में ला सकते हैं? पूरे राजनीतिक जीवन में यही कोशिश की है कि मैं ये जातिवाद की राजनीति से उठ के कुछ काम कर सकूं। और मेरा जो जिस तरह से लोग मुझे देखते हैं, वो जातिवाद से उठ कर देखते हैं, काम के लिए देखते हैं, और डायरेक्ट जो हमारा जो लगाव रहता है लोगों से, उस तरह देखते हैं। तो मैं ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं देता कि कौन सी जात मेरे खिलाफ लड़ रही है, कौन सी जात मेरे खिलाफ जा रही है, उससे मैं हट के अपने बस लोगों से मिलता हूँ, अपनी बात रखता हूँ और उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो जो मैंने काम किए हैं पिछले विधानसभा के टर्म में, वही काम देख के मुझे वो वोट करेंगे। जो उनकी तरफ से बड़े बड़े स्टार प्रचारक आ रहे हैं, बड़े नेता आ रहे हैं, और उनका मूवमेंट जो हो रहा है, उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं वोट बैंक को प्रभावित करेंगे। सपा भी स्टार प्रचारक अपनी तरफ से
जहाँ तक स्टार प्रचारक की बात है, तो मैं एक चीज़ आपको बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूँ आज। जो हमारा स्टार प्रचारक है अखिलेश यादव जी, वो आने वाले समय में देश की राजनीति करेंगे। वो बिल्कुल ऊपर तक प्रधानमंत्री का के पद के लिए दावेदार बनेंगे। तो इससे बढ़ के स्टार प्रचारक कौन हो सकता है हमारे लिए? और जो दूसरे स्टार प्रचारक जिस पार्टी के आएंगे, वो अपनी राजनीति अब कर चुके हैं। अब समय है अखिलेश यादव जी का आने वाला, तो वो हमारे स्टार प्रचारक रहेंगे। जो ऊपर एक ही आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, इसका जवाब आप किस तरह से देंगे? जो नया क्षेत्र है सीधी का, उसके लिए मैं नहीं कह सकता, इसलिए कि मैंने वहाँ काम किया नहीं है। लेकिन अगर पुराना गोपद बनास क्षेत्र, जो कि करीब 30% है अभी भी इस क्षेत्र में, उसकी मैं बात कर सकता हूँ कि हो सकता है कि मैं सब जगह पहुँचता नहीं हूँ रोज़ रोज़, लेकिन जो काम मैंने किए हैं वो काम के लोग बात करते हैं। आज भी अगर आप गोपद बनास के क्षेत्र में चले जाएँ तो लोग कहते हैं कि जो आपने हैंडपम्प दिया था मुझे, वही हैंडपम्प आज भी वही उतना ही है, उससे एक भी नहीं ज़्यादा बढ़ा। जो सड़क आपने दी थी वही सड़क वहीं तक है। तो मैंने काम किया है, वो काम लोग बाग अंत में उसका एनालिसिस होता है काम का। गोपद में जो आपके चिर प्रतिद्वंदी थे आज से 30 साल पहले, और आप लोगों ने राजनीति की शुरुआत की थी, एक बार फिर आप लोगों का एक बार आमना सामना सीधी विधानसभा में हुआ, तो क्या अनुभव रहे? 1990 में जब चुनाव लड़ा तब भी हम लोग तीनों चुनाव लड़े, कमलेश्वर द्विवेदी जी, केदार शुक्ला जी और हम लोग तीनों लड़े। और हम लोग के बीच में कोई ऐसी बात नहीं रहती कि जो हम एक दूसरे के ऊपर कोई भी ऐसा आरोप लगाएं जो व्यक्तिगत हो। हम अपने अपना चुनाव बड़े सभ्यता से लड़ते हैं, और इस बार भी इसी सभ्यता से। ये संयोग है समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी के रूप में अभी कल नामांकन दाखिल किया है के सिंह भंवर साहब से, जो स्वच्छ एवं बेदाग छवि के नेता है और चुनावी समर में शंखनाद कर चुके हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा कि जनता किसे और करवट लेती है। चर्चा चल रही थी कि समाजवादी पार्टी कई पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनाव मैदान में उतरेगी, और जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बड़े नेता हैं हीरा सिंह मरका, वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे, तो क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। हम लोग का गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से समझौता हो गया है। हम लोग मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में समझौता के तौर पर लड़ेंगे। और हीरा सिंह मरकाम सीधी में कम से कम 2 जगह अपनी मीटिंग लेंगे, और कोशिश ये भी रहेगी कि सिहावल में भी वो एक मीटिंग हमारे प्रत्याशी के पक्ष में लेंगे। आप कांग्रेस पार्टी के बड़े कद्दावर नेता हैं अजय सिंह राहुल, क्या लगता है कि इस बार आप और वो आमने सामने होंगे, क्योंकि वो कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने आएंगे, तो राजनीतिक दृष्टिकोण से कि अगर जब 2003 में इतने से जीता था तो कोई असर नहीं हुआ। अब वो अपने पार्टी की तरफ से ज़रूर सीधी विधानसभा में प्रचार करने आएंगे, और आते भी रहे हैं। जब हर बार जब मैं चाहे निर्दलीय लड़ा हूँ, चाहे समाजवादी पार्टी से 2003 में लड़ा, तो उन्होंने कांग्रेस का प्रचार किया सीधी में या गोपद बनास में, और इस बार भी आएंगे, ज़रूर आएंगे अगर वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रचार कर रहे हैं तो। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब 2003 में मैं समाजवादी से लड़ा था, तो अर्जुन सिंह भी थे उस टाइम। अर्जुन सिंह जी भी गोपद बनास क्षेत्र में, उन्होंने 5-6 मीटिंग ली हमारे कांग्रेस की तरफ से, और आपको पता ही है कि जो परिणाम उस टाइम आया कि मैं 30,000 करीब लगभग 30,000 वोटों से जीता था, मार्जिन से जीता था। तो परिणाम तो आपके सामने, वो भी इस बार भी वही परिणाम रहेगा। तो आपका